हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज अपन बात कर रहे हैं मेंस फैक्टर के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मेंस की जो प्रॉब्लम है फिजिकल लेकर, फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर, सेक्स को लेकर, सेक्स में वीकनेस को लेकर, जल्दी अपने पार्टनरशिप को हैप्पी नहीं कर पाने के, इस बारे में लेकर बात कर रहे हैं। और मैं 100% कह रहा हूँ, अगर इन चीजों का अपन ध्यान रखेंगे तो अपनी ये प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। और इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम मनीष सिंह चौहान है। और ये डिस्क्रिमिनेशन ये है कि आप कोई भी चीज, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कोई ऐसी कोई दवा नहीं है या कोई कोई बीमारी को सही नहीं करता। ये ओनली फॉर आपकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और ये मैं मेरे पर्पज से बता रहा हूँ। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ऑल आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, ना कोई दवाई। तो बात करते हैं मेन हेल्थ के ऊपर। मेन हेल्थ एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर अपन बात तो करते हैं मेन्स के बारे में या वुमेन्स के बारे में, पर शर्माते हैं। कहीं ना कहीं अपन का इस तरीके से अपन को ट्रीट किया जाता है, कि इस तरीके से अपन को गाइड किया जाता है बचपन से आज तक, क्योंकि अपन इंडिया में रहते हैं। इंडिया में, सही में कह रहा हूँ ना मैं, क्योंकि अपन इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम आती है कि हाँ यार, जो प्रॉब्लम होगी वो किसको होगी, वुमेन्स को होगी। जो फिजिकल या जो कंडीशन जिस सब चीजों को करना है वो किसको करना है, वुमेन्स को करना है। ध्यान कम लगेगा अपनी हेल्थ का, वुमेन्स ध्यान लगेगी। पर प्रॉब्लम आती क्या है, मेंस सबसे ज्यादा अपना वर्क करता है, मेंस सबसे ज्यादा घर वालों का ध्यान रखता है, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या आती है, वही इंसान अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाता, वही इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाता है। तो मेन हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। मेन फैक्टर क्या होता है, मेन हेल्थ फैक्टर। तो देखिए, मैंने जैसा बताया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा वुमेन्स अपनी हेल्थ का ऊपर ध्यान रख पाती है, पर मेन्स ध्यान नहीं रख पाते। क्यों क्यों बात क्यों नहीं रख पाते, इस बारे में मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, आज जो सेक्स है, सेक्स अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ के अंदर। आप कैसे भी देख लीजिए, आपका जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें सेक्स बहुत ज्यादा मैटर करता है अपनी, उसको रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, या कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को अच्छे से पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ। कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम आती आती है कि हमारा सेक्स अच्छा होना चाहिए या हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, तो उसके बारे में बहुत लोग बात करने से कतराते हैं। और अपन कहीं ना कहीं अपन को एजुकेशन इस तरीके से दी जाती है कि यार नहीं, जो मेंस है वो इस बारे में, सेक्स के बारे में बात नहीं जानी, क्योंकि सेक्स एजुकेशन इंडिया में थोड़ी कम है। इसके बारे में ओपनली लोग बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये एक ऐसा पार्ट है, इसको नहीं बात करनी चाहिए, बच्चों को शर्म आती है। नहीं, आज ये ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। वुमेन्स में बात की जाए तो उनको पीसीओडी, पीसीओएस रहता है, या अदर हेल्थ इश्यू रहता है, जिसकी वजह से उनको क्या रहता है, उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, या उनके बच्चे को कंसीव करने में दिक्कत आती है। और यही मेंस में दिक्कत आती है, मेंस का सेक्सुअल पावर अच्छा नहीं होता, या उनका जो पीनस होता है वो उसमें वीकनेस रहती है, या बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। और ये क्यों रहती है, इस बारे में बात करते हैं। ये रहती है, देखिए, ये अपन को कहीं ना कहीं, ये आपका मेंटल डिस्ट्रेस रहता है, या आपका फिजिकल हेल्थ इशू रहते हैं, या स्ट्रेस रहता है आपको लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस कैसे रहता है, आपका फिजिकल वर्क के बारे में, या आपका फैमिली प्रेशर रहता है, या आपको ऑफिस वर्क का प्रेशर रहता है, या आपको कोई फाइनेंशियल प्रेशर रहता है कि यार मेरे को उसको पैसा देना है, या मेरे को ये काम करना है, या मेरा इस मंथ की सैलरी इतनी बननी चाहिए, या मुझे काम में इतना पैसा आना चाहिए, इस तरीके से प्रेशर रहता है। और कहीं ना कहीं अपन बहुत ज्यादा अपनी बॉडी पर लोड ले रहे हैं। और इसी सब चीजों के चक्कर में अपन को क्या होता है, अपन प्रॉपर पानी नहीं पीते, प्रॉपर स्लीप नहीं होती, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होती है। अब बात करते हैं स्लीपिंग, तो अपन कहीं ना कहीं 7 से 8 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे होते, सही कह रहा हूँ मैं आपको। स्मोकिंग, आज बहुत सारे मेंस की आदत हो चुकी है कि स्ट्रेस को हटाने के लिए, या एक फैशन हो गया है कि हम स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, ठीक है। और इन सब ड्रिंकिंग, ओबेसिटी है ना, स्मोकिंग को लेकर क्या क्या बढ़ता जा रहा है, अपने शरीर का बेहाल होते जा रहे हैं, बेढोल होते जा रहे हैं। अपन इस तरीके से अपना शरीर दिखने लग गया है, कहीं ना कहीं अपन इतने मोटे हो चुके हैं, इतने ओबिसिटी की तरफ चले चुके हैं कि अपन को अपना शरीर का वेट ही नहीं पता है कि अपना टारगेट वेट क्या होना चाहिए, या अपन को यही नहीं पता कि अपन को डेली बेस में कितना खाना रहता है, या अपन को यही नहीं पता कि अपना ब्रेकफास्ट अपनी बॉडी के अंदर क्यों इंपॉर्टेंस है। और इसी सब चक्कर में अपन कहीं ना कहीं अपन एक्सरसाइज करना बंद कर दिए, या अपने फिजिकल एक्टिविटी बंद कर चुके। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अपन अपने जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं अपन इमोशनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। बहुत सारी अपन कह नहीं पाते लोगों को कि यार ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो इस बारे में अपन आज बात कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम का सोल्व हो जाए। देखिए, आज कहीं ना कहीं मेल फैक्टर की कहाँ प्रॉब्लम आती है, और अपन को ये किस में हेल्प करता है, मेल फैक्टर जो आपको, आपका ये जो पीनस होता है, पीनस में अंदर कहीं ना कहीं आपकी पीनस जो अपने जो सेक्सुअल जो लाइफ होती है, सेक्सुअल लाइफ जो अपन को अट्रैक्ट करता है, जैसे मेल्स फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होना और इच्छा होना सेक्स की, ये पीनस के ऊपर दिक्कत होता है। दूसरा, आपकी जो पीनस की साइज होती है उसको, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको इंप्रूव करता है, मतलब लूजपन को थोड़ा हटाता है। देन आपकी जो
सेक्स करने की जो पावर होता है उसको बढ़ाता है, कहीं ना कहीं आपको फिजिकल रिलेशनशिप में बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको ये हेल्प करता है मेंस फैक्टर प्लस। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, जो फिजिकल लाइफ है या सेक्सुअल लाइफ है, उसमें बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करता है। और ये होता क्यों है, मैंने आपको बता चुका हूँ, आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ता है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये अपन को किन किन चीजों से मिलता है। देखिए, ये अपन को घर में अपन को मेथी के दाने हैं, इसमें इसका इसका मतलब मेल फैक्टर में किन किन चीजों का इंग्रेडिएंट्स है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपकी मेल आपका मेथी दाने हैं, उस चीज का इसमें थोड़े आपको कंटेंट मिल जाते हैं। देन एल सिट्रोलाइन, इसका कंटेंट मिल जाता है, जो आपको किसमें मिल जाता है, आपको वाटरमेलन में मिल जाता है। देन पिन ब्रेक एक्सटेंड, ये किसमें मिलता है आपको, ये एक तरह का एक जड़ी बूटी कह सकते हैं, या आप इसको एक तरह का ट्री कह सकते हैं, जिसकी छाल से इसमें कंटेंट मिला जाता है, जो आपकी ये फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने में काम करता है। फिजिकल हेल्थ में किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सेल्फ सेक्स के बारे में कह रहा हूँ ना, आपकी जो इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है, आपकी ताकत को बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं आपका फिजिकल रिलेशनशिप है उसको अच्छा करता है। देन बात करते हैं की पॉइंट्स, आपको ये किसको यूज करना चाहिए, ये अडल्ट पर्सन को यूज करना चाहिए, 20 to 20, 21 या 22 ईयर्स के अबाउ उसको यूज करना चाहिए। डू नॉट एक्सटेंड, देखिए ये आपको किसी ऐसी चीजों के लिए रिकमेंडेड नहीं की जा रही है, ओनली फॉर आपकी अगर प्रॉब्लम है उसके लिए रिकमेंड नहीं की जा रही है। दूसरा, ये कोई एक तरह की कोई दवा नहीं है, ध्यान रखिएगा। देन दूसरा, ये आपकी फिजिकल यूजेस के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम को सही करने के लिए, ना कि कोई बीमारी को सही करने के लिए। देन इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए तो जीरो साइड इफेक्ट है इसके। बात की जाए तो इसको डिजाइन फॉर मैन, इसको कैसे यूज करना है, इसको यूज इसका सिंपल है। आपको दिन में 2 टेबलेट लेनी है, वो भी ब्रेकफास्ट या लंच के बाद या शाम को डिनर के बाद, ठीक है। अब इसको कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, पानी के ऊपर, वो वैसे कंपनी कहती है 25 साल के ऊपर अब उसको यूज करना चाहिए। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं एक वेलनेस कोच हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, और मेरा नाम मनीष सिंह चौहान है, और ये मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर। और बात की जाए तो इसको कैसे ऑर्डर की जाए, कैसे सब चीज की जाए, तो इसके बारे में देखिए, ये कंपनी कहती है हर्बल लाइफ प्रोडक्ट ओनली फॉर एक हर्बल लाइफ वेलनेस कोच से लेना चाहिए आपको। डू नॉट ऑर्डर ऑनलाइन वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, देन मीशो, अनदर ऐसी साइट जिससे कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं जैसे देखिए अपन बात किसके कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां तक अपनी अपनी फैमिली को बढ़ाने के ऊपर बात होगी, या अपनी फिजिकल सेक्सुअल लाइफ के ऊपर होगी, कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ के बहुत बड़ा पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो अपन छोटा मोटा रिस्क तो लेंगे नहीं, है ना। रिस्क कैसा लेना है, हेल्थ को अच्छा करने का रिस्क लेना है, मतलब सही थोड़ा पैसों के बारे में सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, पैसा बचाने के बारे में नहीं सोचना है। अभी आपको कैसा सोचना है, आपको मेरी हेल्थ सही करनी है, ऐसा सोचना है। तो आपको ओनली फॉर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की वेबसाइट से लेना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या किसी वेलनेस कोच से लेना है। दूसरा, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद इसको यूज करना चाहिए। देन आपको इसको यूज करने के लिए कहीं ना कहीं एक वेबसाइट चाहिए, जो ऑर्डर करने के लिए, तो मैं आपको सिंपल है एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं और खुद का प्रोडक्ट खुद मंगा सकते हैं। और इसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने मेरा आपको नाम पर नंबर दे रखा है। मेरा नाम मनीष सिंह चौहान है और मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, और जहां पर इस वेट लॉस को करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसके लिए वेट लॉस भी करना पड़ेगा, वर्कआउट सेशन भी चाहिए, प्रॉपर डाइट प्लान भी चाहिए, तो मैं एक प्रॉपर न्यूट्रिशन गाइडेंस के साथ साथ मैंने डाइटेनिस का कोर्स भी किया हुआ है, जिससे आपको मैं प्रॉपर आपकी BMI के अकॉर्डिंग डाइट प्लान भी प्रोवाइड करा दूंगा, और क्या वर्कआउट करना है आपको, तो वर्कआउट भी सेशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी लोगों को अभी तक वो प्रॉब्लम आती है कि हाँ, हम इसके बारे में बात कैसे करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके नीचे कमेंट करके इस वीडियो को आगे से ज्यादा वायरल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आगे फैलाइए, जिससे अपन आज मेंस के बारे में एक अच्छी सोल्यूशन के ऊपर बात कर पाए। तो थैंक यू सो मच अच्छे से वीडियो को देखने के लिए।